মানে আলি গলে লিগাঙ্গ লিগাঙ্গলে আলি গৈ কি কৰা মানে আলি মানে এটা কথা আছে আমাৰ পৰম্পৰা আলি মানে আমাৰ আলিটো হৈ পিছে আমাৰ এটো কি কৈ নৈ এটো আলিটো ওর পিছে ইয়ে লোক শোকে উঠাই নেই অভি তক থ্যাংক ইউ ও অরিজিনাল ডিয়ার কা মুন্ডি হে মতলব आपों आपों पी गए सो बढ़िया से नशा हो गया था यही पे मतलब मेरा पेड़ घुस गया था यहाँ पे पूरा पेड़ इतना तो घुस गया था बाय बाय यहाँ पे जगह उस पर में जगह उसका भी फंसा हुआ है sana sarode adinam ram ansodu vole nokkalu yumlu podana sisana sina moyu pondu vole noriyu moyano parado tekila dana papara kanka tanne mani bohta sana kinso तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो हम लोग कल यहाँ पे एक भैया और भाभी का घर में, तो आप लोगों का बाहर का जो नज़ारा है यहाँ का तो वो आज दिखाने वाला हूँ। हम लोग आज तो धूप निकलने वाला है लेकिन उतना भी चांस नहीं है धूप निकलने के लिए, और यहाँ का बाहर का जो नज़ारा है कल तो दिखाई नहीं, आज दिखाऊंगा आप लोगों को कैसा है। बहुत बढ़िया है यहाँ का, और कल आते आते मतलब बहुत अंधेरा हो गया इसलिए वीडियो भी नहीं बना पाया, तो आज का यही से मतलब जो एरिया है सीलिंग और जितना हो सकेगा उतना कवर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। और कल हम लोग जो लिगांग का बिहू है वो भी करने के लिए गया, तीन जगह में गया लेकिन दो जगह में ज़्यादा ही आदमी लोग था और मतलब जो बिहू करने का लड़की और लड़का लोग ज़्यादा ही था, तो वहाँ पे अच्छा ही लगा लेकिन फिर भी उतना अच्छा नहीं था। तो आगे मतलब एक लास्ट में छोटा सा जो लिगांग का बिहू कर रहा है तो वहाँ पर आया, वहाँ पर रात 11 या 12 बज गया लेकिन वो वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि रात को मतलब उतना यहाँ पर करंट भी नहीं है जो सोलर पैनल का यूज़ करता है यहाँ पर। तो एक ही गांव में मतलब एक ही सोलर पैनल है तो एक ही घर से मतलब सभी को बिजली सबको भेजता है मतलब सभी घर में, और अभी तो फिलहाल करंट भी नहीं है सिर्फ रात को ही देता है। तो आप लोगों को वो सोलर का जो पैनल है वो सिस्टम भी दिखाऊंगा, सिस्टम मतलब वो वाला घर में है लेकिन दूर से दिखाऊंगा और बढ़िया लगेगा, लेकिन आप लोगों को वो बिहू दिखा नहीं पाया, बहुत बढ़िया रहा कल का दिन। तो अभी सुबह का 6:30 जैसा हो रहा है, हम लोग अभी चाय पी रहे हैं, पूरा सांगर का वाइब्स देखिए आप लोग कितना बढ़िया है, और पीछे ये लोग सो के उठा ही नहीं है अभी तक। कल सब लोग मतलब यहाँ का जो ट्राइब आर्मी लोग का है मतलब मिसिंग ट्राइब का जो उसको राइस बियर जैसा ही है, राइस बियर जैसा ही है लेकिन राइस बियर से थोड़ा अलग है, वो खा के सब लोग मतलब ये लोगों का लेवल हाई हो गया तो अभी तो उठा ही नहीं है ये। तो हम लोग साइड का घर में रहा और बाहर का नज़र आप लोगों को दिखाऊंगा, और आप लोग ये जगह का पूरा एरिया दिखे कितना बढ़िया है, सभी मतलब चारों तरफ सांगर ही सांगर, दूसरा घर है ही नहीं इधर में। और आप लोगों को जो सोलर पैनल का बारे में बोला था तो यही सोलर पैनल है, आप लोगों को वो देख रहा होगा वो वाला प्लेट,
इस तरफ से नहीं दिखता है, लेकिन धूप जहाँ से मतलब जो दिशा से आता है तो उसी तरफ ही किया हुआ है जो सोलर का पैनल है। और यहाँ बैटरी, जो बैटरी और करंट सप्लाई करने वाला मशीन यहाँ पे है, तो यही से पूरा ये एरिया का मतलब जो सीलिंग एरिया है तो यहाँ का सारा बिजली यही से देता है। दूसरा कोई उपाय भी नहीं है यहाँ पर मतलब करंट सप्लाई करने के लिए। बीच में नदी और सापुरी इतना बड़ा है, तो आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाऊंगा। और अभी दोस्त चला रहा है, हम बढ़िया से वीडियो बना रहा है। आप लोग देखिए चारों तरफ सांगर ही सांगर, यहाँ का वाइब्स मतलब पूरा फुल्ली गाँव जागलो है। तो गाइस हम लोग अभी जागल ही जा रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं था दोस्त इस तरफ से जाएगा, शॉर्टकट मार के जाएगा बोला है। तो जागल उतना दूर नहीं है। यहाँ का जो गेट है तो देखिए लिगांग का गेट। और फिर कल रात जो दुकान में था यही दुकान था, तो सामने में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वहाँ पे बाजार बैठता है शायद। और पूरा एरिया देखिए, और ये देखिए बेम्बो से कितना बढ़िया से बनाया है। और आप लोगों को ये जो दिख रहा होगा वो जो डियर का एक बनाया हुआ है, डियर ही बनाया हुआ है, वो लकड़ी से बनाया हुआ है डियर। लेकिन उसका जो आगे वाला आगे में मतलब एक माथा लगाया हुआ है वो ओरिजिनल डियर का मुंडी है, मतलब वो उसका उसको क्या बोलता है, हिंग भी है और पूरा मुंडी है। आप लोगों को दिखाऊँगा, रुको। आप लोग दिखाई दिया होगा शायद कितना बढ़िया से बनाया है, लेकिन अमेजिंग मैन। और वो जो आप लोग पीछे में देख रहे हैं मतलब वो यहाँ का स्कूल है। और ये फील्ड और एरिया तो पूरा खुला है। और यही बाजार ही है, हम ठीक ही बोला था। तो अभी जाते रहना सही है, आगे का व्यू आप लोग देखते रहना। लको काबिला गुपा दो लोता दो बंगम दो पसाय कल दुगे कोयम बेला लको इरबिला असीना रबो आई पारा बो असीना रबो आई पारा बो ओइ नम कहम जिंदाक मन राम नाम पे सेला का। और हम तो अभी जागल का तरफ ही जा रहे हैं, जो अमरपुर का जो मेन टाउन जितना ही है छोटा सा। तो आप लोग यहीं पे एक नोटिस कर रहा होगा, सारा मतलब जितना भी घर है सारा घर मतलब सांगर है। और यहाँ पे मतलब जो रिवर है पास में ही, मतलब सियांग रिवर भी है और लुइट भी यहीं से मतलब आगे ब्रह्मपुत्र बना हुआ है। और तीन सौ जैसा यहाँ पे मतलब अमरपुर में रिवर है। तो रिवर का पानी का वजह से मतलब जब मानसून आ जाता है तभी फ्लड का बहुत प्रॉब्लम है इधर में, बंद पानी बहुत ज़्यादा होता है जो रिवर का फ्लड है। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर सांगर ही है और आदमी लोग भी, ट्राइब आदमी लोग भी है, मिसिंग आदमी लोग। और सामने में आप लोगों को दिख ही रहा होगा वो भी एक रिवर ही है। यहाँ पर चारों तरफ रिवर ही रिवर है, मतलब एक तरफ से बोलने से मतलब माजुली का जैसे ही हो जाता है माजुली, लेकिन चारों तरफ एक ही रिवर का अंडर में है वो ब्रह्मपुत्र का अंडर में। लेकिन ये वाला जो अमरपुर का एरिया है वो अलग अलग मतलब रिवर है। तो एक साइड में अरुणाचल से सियांग रिवर और एक साइड से मतलब लुहित, एक साइड से दिबांग देवपानी, सारा रिवर इसी तरफ ही आ रहा है मतलब। और सारा जो रिवर है वो एक लोग होके ब्रह्मपुत्र बना हुआ है। और आप लोग जो ये जगह दिख रहा है यही जागल का एरिया है पूरा जगह, आप लोग देख ही रहा होगा यही अमरपुर का मेन टाउन जैसा है। और आगे में वो बिल्डिंग भी बना रहा है, शायद दुकान के लिए ही बना रहा है। और यहाँ पे मार्केट थोड़ा बड़ा ही होगा आज, तो अभी तो सुबह का समय है, दुकान भी नहीं खुला है। तो दुकान खुलने से यहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ होता है, और जिस दिन भी बाज़ार होता है, बाज़ार बैठता है, तो उस दिन भी यहाँ पे भीड़ भाड़ होता है। लेकिन अभी तो पूरा खाली है, दुकान भी सभी दुकान नहीं खुला है अभी तक। तो ये छोटा मोटा दुकान खुला है अभी, जो मीट मछली का दुकान है और थोड़ा घुमटी वगैरह वो सब खुला है, लेकिन फुल मार्केट ओपन नहीं हुआ है अभी तक। तो देखिए आप लोग कैसा है अमरपुर का जो मेन जागल का टाउन है, टाउन तो नहीं है थोड़ा मोड़ा छोटा सा, अंबिकापुर का बाजार का जैसा ही लग रहा है। लेकिन
तो हम लोग गाइस यहाँ पे जो जागोल बोल के एक जगह है, तो हम लोग यहाँ पे आया, तो यहीं पे थोड़ा पार्टी वार्टी किया हम लोग, तो हम लोग यहीं पे आपन पी गए, सो बढ़िया से नशा हो गया, थोड़ा इतना उतना भी नहीं खाया, थोड़ा मोड़ा खाया है, तो यहीं पे थोड़ा व्यू डांस भी होगा, मतलब जो ट्राइब लोग का है यहाँ का लोकल आर्मी लोग का। तो हम क्या हुआ यहीं पे, मतलब ये वाला जगह में ये जो पुता देख रहा है ना, यहीं पे मतलब मेरा पैर घुस गया था, यहाँ पे पूरा पैर इतना तक घुस गया था, तो निकालने में दोस्त लोग मदद किया, लेकिन थोड़ा चोट नहीं फंसा, इसलिए वो भी अच्छा है, चोट नहीं फंसा, इसलिए मतलब क्या बोल रहे खुद भी पता नहीं है अभी, थोड़ा अपन पी के थोड़ा नशा हो गया और उतना तो खा ही नहीं पाया, ये यहाँ में तो है ही आधा है ही, और जार में भी था, और ये एक जार खाया हम लोग, तो क्या क्या मीठा, जो बफेलो का मीठा वो भी था, चिकन भी था, और क्या क्या मीठा पता नहीं, सुखाने वाला मीट भी था, कच्चा मीट भी था, कच्चा मतलब हम लोग रोस्टिंग करके खाया था, तो अंदर में आप लोगों को जो यहाँ का लोकल भी है वो दिखाऊंगा। तो ये लोग बहुत बढ़िया से बिहू किया, जो मिसिंग टाइप लोग का बिहू का मतलब लोकल कल्चर है वो गाना गया, तो यहीं पे हम लोग आपन किया, तो ये बढ़िया से ये इन लोगों का घर है, तो बढ़िया लगा यहाँ पे, बाय बाय। तो हम लोग अभी जाने वाला है, और अभी हम लोग दूसरा जगह में जाएगा, और तो आप लोगों को दिखाएगा कैसा, और दूसरा जगह में भी कैसे होगा, तो आप लोगों को रास्ते में मिलूंगा। तो गाइस आप लोग देख ही रहा होगा, मतलब वीडियो तो यहाँ तक देख ही रहा होगा, तो हम क्या हुआ आज कल आया था हम, कल तो शाम हो गया आते आते, तो कल तो उतना यहाँ का जो ट्राइब लोग होगा मतलब वीडियो नहीं बना पाया, जो बिहू कल्चर का यहाँ का मिसिंग बिहू कल्चर का बिहू है लोकल बिहू, तो वो तो वीडियो बना नहीं पाया, लेकिन आज हम सलाह जगह बोल के सोचा था, लेकिन दोस्त लोग भी सलाह गया, और हम लोग अभी सेकेंड टाइम मतलब आफ्टरनून को सलाह जगह बोल के सोचा था, लेकिन कोई बूट का इशू है, तो आज जा नहीं पाया हम लोग, कल जाएगा, तो आप लोगों का वो वाला घर में ही मतलब वो पीछे देख ही रहा होगा, वो वाला घर में ही मतलब बिहू कर रहे हैं हम, वहाँ पे जाएगा आप लोगों को दिखाने के लिए अभी, तो देखते रहना कैसा है। We'll be right back.
রাইট মই এটা কথা পাহৰি থাকিলো। তাৰপিছত আমাৰ এইটো মিচিঙৰ এইটো তাৰমানে আমাৰ লিগাং, যিটো আমাৰ লিগাঙৰ গুমৰাগ চমান হয়, তাৰ ভিতৰতে তাৰমানে আমাৰ এই আমাৰটো আপং পানীটো ওলায়। আপং পানীটো খাই কিনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাই মেলি তাতে অলপ ধেমালিতে তাৰমানে একেডোখৰ এওঁলোকৰ তাৰমানে কাজিয়া পেচাল হয়। গতিকেলৈ ৰাইজে, আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে ক্ষমা কৰিব, মিচিঙত আমাৰ পৰুৱা পংটো ওলাই, যিহেতু পৰুৱা পংটো ল'ৰা ছোৱালীয়ে নোখোৱা বস্তু, ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই কিনি ক'ৰবাত কাজিয়া পেচাল হৈছে। যদিও কাজিয়া পেচাল হ'লেও বুৰবান্তি কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি সদিয়া অমৰপুৰ চিলিং আলমাৰী গাঁৱৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক ক্ষমা দিয়া কৰিবলৈ আমি ভিক্ষা কৰিম। আৰু আৰু এটা কথা এটা সুধিব, মানে আলি গ'লে লিগাং গ'লে আলি গৈ কি কৰা? অ' ৰাইট, সেইটো আমি 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 তাৰমানে আলি মানে এটা কথা আছে, আমাৰ পৰম্পৰাৰ নীতি নীতি আছে। আলি মানে আমাৰ আলিটো হৈছে আমাৰ এইটো কি কৈনো এইটো আলিটো আমি হালি। তাৰপিছত আমাৰ লিগাং মানে এইটো আমাৰ প্ৰথমতে লিগাং লিগত আমাৰ হালি দানটো যেতিয়া আমি পেলাওঁ, প্ৰথমতে এইটো আমি লিগত বুলি কয়, আলি আই লিগাং লিগত। আপুনি ভালকে এই কৰি লওক দেই কৰিব আমাৰ কথাবোৰ। তাৰপিছত এইটো ক'লে তাৰমানে নানান ধৰণৰ মিচিং আমাৰ জনগোষ্ঠী, এতিয়াও আমাৰ অসমবাসীৰ মিচিং গোটেই জনগোষ্ঠীয়ে আমাৰ ইয়াৰ পবিত্ৰ, গোটেইকেইটাই জানে, গোটেইকেইটাই গম পায়। আলি আই লিগাংটো কোনো ধৰণৰ আমাৰ মিচিঙে বেলেগ গাঁৱৰ বেলেগ ধৰণে মানে, বেলেগ গাঁৱৰ বেলেগ ধৰণে মানে, বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বেলেগ ধৰণে মানে, এইবুলি আমি লিগাংটো এৰিবলৈ বিচৰা নাই। আমি যিটো সদিয়া সমৰপুৰ চিলিং শালমাৰি হৈ যিটো মানি আছো, এই কথাষাৰ তোমাক ক'লোঁ, তুমি ইয়াতে ৰাইট মানি লোৱা। ভাল লাগিলে, থেংক ইউ, ৱেলকাম। তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোক দেখি হ'গা, মতলব আলি আলি কা মতলব কি হে, লিগাং কা মতলব কি হে, ইয়ে মতলব জো চাচা ওর ইয়ে লোক বল দিয়া, মতলব জো বজরক লোক হে, তো ও লোক বল দিয়া আলি কা মতলব কি হে, লিগাং কা মতলব কি হে, ইয়ে ভি মতলব আচ্ছা যে আসামিস বলনে কে লিয়ে নহীং আতা হে, তো ইসলিয়ে থোড়া মতলব উনকো ভি সমস্যা সমঝানে কে লিয়ে দিক্কত হো রহা হে, তো ইয়ে লোক আচ্ছে সে ওর জো ইহাঁ কা জো আশীর্বাদ হে এক বিহু করকে, তো জো জিসকা ঘর মে মতলব আশীর্বাদ দেগা বিহু করকে, তো ও আশীর্বাদ করনে কা থোড়া ভিডিও বানাওগা আপ লোগো, তো দেখি আপ লোক। তো আপলোক ইয়াৰ পৰা দেখি ৰহা হ'গা, মতলব ইয়াৰ পৰা জো বিহু কৰিবলৈ কে লিয়ে আতা হে, মতলব জো ইয়াৰ কা ট্ৰাইব লোক কা মিচিং বিহু লোক বিহু হে, তো ও কৰিবলৈ কে লিয়ে আতা হে, তো তাভি সাভি ইয়ে লড়কি লড়কা কো মতলব ইয়ে লড়কি লোক হে অৰ লড়কা লোক কো মতলব কোই দান দছিনা এসা হি কোই পাৰ্টি খানে কে লিয়ে কুছ এসা দেতা হে, মতলব জো জিতনা হো সকেগা উতনা হি পেসা দেতা হে অৰ আশীৰ্বাদ ভি দেগা থোড়া ইয়ে বুজুৰ্গ লোক। তলো দদি পলো তাত আয় গুমুন চহিং টাকাম শিলং অলু যেনেকে ডাকুনি পাতি বোলো আকাৰ বোলে পিটি কৰি পাতালে পুৰি কাপোৰ লাগি ৰাখ কিছু লোক সবৰ
কোনে ল সবে সবে নরক কারি গলো কি নাম পিলিং না আ মানি গুরু যাই কা লাগি দেখে ওই কে রো ডনি ও বলা तो अभी इन लोगों का जो ट्राइब लोगों का मिसिंग ट्राइब लोगों का जो बिहू है इस घर में हो गया। अभी नेक्स्ट घर में ये लोग बिहू डांस करने के लिए जाएगा। जो मिसिंग बिहू है वो वाला घर में करेगा, उसका बाद नेक्स्ट अगेन एंड अगेन ऐसे ही रहेगा। जितना घर है वो उतना ही घर करेगा। तो एक एरिया जितना एरिया में जितना घर है उतना वो लोग सारा लोगों का घर में मतलब ये लोग बिहू करते हैं। तो अच्छा ही लगा यहाँ पे आके। तो अभी तो अंधेरा भी होने वाला है, तो हम लोग कल जाएगा जाएगा कि नहीं जाएगा, कल भी रहेगा क्या? नहीं रहेगा। ये बोलने के लिए शर्मा रहा है, अभी तो ये मास्क पहन लिया। पे दो दिन रुका है अमरपुर में। तो ये वाला घर में हम लोग रुका, तो ये भैया और भाभी का घर है एक। तो ये एरिया बहुत बढ़िया ही है, मतलब पहला दिन उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब नेक्स्ट डे आया सुबह हुआ तो जाने के लिए दिल ही नहीं किया था यहाँ से। तो वो वाला घर में शादी था और वो वाला घर में कल हम लोग जो ट्राइब लोगों का व्यू से वो शूट किया था। बाय बाय। यही पे दुकान पर रुका है अभी ये दोस्त। तो वो वाला घर में हम आया, तो अभी आप लोगों से घाट से ही मिलेगा। तो दोस्त चलेगा बोला स्कूटी, हमको रास्ता भी मालूम नहीं उतना, थोड़ा दूर ही है। तो हम लोग आते आते अभी घाट पहुंच गया, जो अमरपुर का बांसबाड़ी घाट है वहां पे पहुंच गया। यहां पे थोड़ा पानी वगैरह है, संभाल के जाना पड़ेगा।
और हम लोग अभी बांसबाड़ी घाट में ही है, तो अभी पता नहीं ये वाला नाव चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये वाला अभी जा रहा है, आप लोग देख ही रहा होगा उधर में जाएगा हुआ, उस पार में जो गाड़ी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है वो जहाँ पे जाएगा उस पार में जाएगा, उसका बाद हम लोग घर जाएगा। और ये गाड़ी फंसा हुआ है, ये लोग सभी लोग रुका है, यहाँ का जो यातायात का सुविधा है वो उतना अच्छा नहीं है। अभी वो वाला नाव उस तरफ फंस गया, तो अभी हम लोग जाएगा ये वाला नाव में ही जाएगा शायद, पता नहीं। तो ये दोस्त लोगों को भी मिला हम लोग अभी, ये लोग भी आया था, परसों ही आया था लेकिन मिला नहीं, आज ही मिला हूँ इसको, इन लोगों को। हाय, ये लोग भी लिगांग खाने के लिए आया था, और ये तो बचपन से साथ में ही पड़ा था, और इनको भी जान पहचान वाला ही है ये। तो हम लोग जाएगा अभी, और अभी स्कूटी उठाने वाला है ये, तो हम लोग बहुत समय का इंतजार के बाद अभी ये जो फेरी है ये स्टार्ट किया है, और अभी फेरी चला रहा है स्टार्ट देकर, तो अभी हम लोग सभी लोग अभी पार करने के लिए फेरी पे उठ गया, अभी जा रहा हूँ। और ये लोग अभी स्कूटी वगैरह उतार रहे हैं फेरी से, तो हम लोग अभी ये जो घाट का है दूसरा तरफ में पहुंच गया, बांसबाड़ी घाट का अमरपुर साइड से बगरीबाड़ी जो ये सापोरी है इस साइड में पहुंच गया। अभी हम लोग घर जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, रेडी मतलब क्या, स्कूटी वगैरह बाइक सब लोग उतार रहे हैं नाव से, तो अभी हम लोग जाएगा। तो अभी मानसून का सीज़न भी आ रहा है, गर्मी का सीज़न, तो बहुत यहाँ पे गर्मी ज़्यादा ही है चारों तरफ, मतलब रेगिस्तान जैसा ही है चारों तरफ, बालू ही बालू। और अभी हम लोग जाएगा, और यही से दोस्त को घर छोड़ने के लिए हम जाएगा, तो उसका बाद हम घर जाएगा, घर जाके वही वीडियो एडिटिंग करना पड़ेगा फिर से। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मतलब मेरा चैनल को सॉरी राइडर 01 आप लोग ज़रूर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सब्सक्राइब करने के लिए तो मत भूलना, लाइक और शेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी, तो शेयर करने के लिए आप मत भूलिएगा। तो वीडियो यही पे एंड करता हूँ, तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप फ्यूचर में मेरा चैनल में देखेगा फिर आप लोग सब्सक्राइब करने से। तो बाय बाय, टिल देन।